1346 में आज ही के दिन लक्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ को रोमन साम्राज्य का सम्राट बनाया गया। 1673 में आज ही के दिन नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1776 में आज ही के दिन प्रसिद्ध जेम्स कुक ने अपनी तीसरी समुद्री यात्रा शुरू की। 1781 में आज ही के दिन थॉमस हचिंस ने अमेरिका के भूगोल को नामित किया। 1889 में आज ही के दिन सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बना। 1919 में आज ही के दिन नीदरलैंड ने 8 घंटे का दिन और निशुल्क रविवार श्रमिकों के लिए कानून बनाया। 1921 में आज ही के दिन मंगोलिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1922 में आज ही के दिन अमेरिका के फिल्म उद्योग हॉलीवुड की स्थापना हुई। 1923 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री टुनटुन का जन्म हुआ। 1957 में आज ही के दिन इस्लामी धार्मिक नेता और मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खान का निधन हुआ। 1975 में आज ही के दिन चीन में 2200 वर्ष पुरानी कब्रगाह खोजी गई, जिसमें सैनिकों की 3000 आदमकद मूर्तियां दफन थी। 1987 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2003 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की थी, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। वर्ष 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से भी वो विभूषित किए गए थे। 2006 में आज ही के दिन मुंबई में सीरियल धमाके हुए, जिसमें 209 लोग मारे गए। 2008 में आज ही के दिन एप्पल ने आईफोन 3G लॉन्च किया।